नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई पर बल। भारत दौरे पर आए यूरोपीय संसद के प्रतिनिधिमंडल से कहा, आतंकवाद को पनाह देने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भी मिले यूरोपीय सांसद, कल करेंगे जम्मू कश्मीर का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सऊदी अरब की यात्रा पर होंगे रवाना। रुपे कार्ड की शुरुआत से लेकर दोनों देशों के बीच तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा समेत अहम क्षेत्रों में समझौते की उम्मीद। प्रधानमंत्री रियाद में कल फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम की भी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री के विमान को पाकिस्तान के एयर स्पेस देने से इनकार पर भारत ने ICAO में उठाया मामला। अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करने की दी नसीहत। पाकिस्तान ने सितंबर में भी अमेरिका दौरे के वक्त एयर स्पेस देने से किया था इनकार। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों के ग्रेनेड हमले में 20 लोग घायल। आतंकियों की तलाशी में अभियान जारी, कड़ी की गई इलाके की सुरक्षा। और दिल्ली NCR में पिछले साल के मुकाबले दिवाली के बाद वायु प्रदूषण में 30% की आई कमी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा, ग्रीन पटाखों और दूसरे उपायों का हुआ असर। अन्य शहरों के मुकाबले मुंबई की आबोहवा रही बेहतर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर नाम लिए बगैर पाकिस्तान को घेरा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवादियों का समर्थन करने वाले, ऐसी गतिविधियों और संगठनों का समर्थन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए और आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने ये बातें सात लोक कल्याण मार्ग पर स्थित अपने आवास पर यूरोपीय यूनियन के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान कही। Terrorism is one of the biggest threats to the entire humanity. Terrorism and radicalism, particularly, threaten diverse and democratic societies like India and Europe. Close international cooperation is essential to fight terrorism. Urgent action must be taken against all those who support or sponsor terrorists. यूरोपियन सांसदों का प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को जम्मू कश्मीर का भी दौरा करेगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि उनका जम्मू और कश्मीर सहित देश के विभिन्न हिस्सों का दौरा उपयोगी साबित होगा। प्रतिनिधिमंडल इस दौरे से क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्पक्ष और संतुलित द्विपक्षीय व्यापार और निवेश समझौते का जल्द समापन उनकी सरकार की प्राथमिकता है। यूरोपीय संघ के साथ भारत का संबंध साझा हितों और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आम प्रतिबद्धता पर आधारित है। उन्होंने वैश्विक साझेदारी के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के विकास के बारे में भी बताया। Our strategic partnership is even more important in today's testing times. EU is India's largest trade partner and source of foreign direct investment. Early conclusion of a fair and balanced BTIA is a priority for my government. यूरोपीय यूनियन के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से उनके आवास पर मुलाकात की। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने जम्मू कश्मीर के मसले पर भारत का पक्ष एक बार फिर से साफ किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज़ादी के बाद से जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा है।
भारतीय संविधान ने इस राज्य को विशेष दर्जा के अनुसार अनुच्छेद 370 के तहत एक प्रावधान शामिल किया था जो अस्थायी था। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद में इस मामले में बिल लाया गया, निचले सदन में इसके पक्ष में 80% और उच्च सदन में 66% सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया, तब जाकर अनुच्छेद 370 को हटाया गया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद वहां एक भी बुलेट नहीं चली और वहां शांति कायम है। वहीं उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत यूरोपीय संघ के साथ अपने संबंधों को सबसे अधिक महत्व देता है, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए हमारी रणनीतिक साझेदारी और भी महत्वपूर्ण है। पच्चीस सदस्यों से ज्यादा यूरोपीय सांसदों का दल मंगलवार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहा है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद यूरोपीय यूनियन के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर उत्साह दिखाया। We had a very good meeting with Mr. Modi. I thought he was a very impressive, intelligent, calm, thoughtful man, but very, very busy, of course, when you're running a country, such a big country and a big population. He gave us a very nice talk, but it was about many affairs of the world, climate change and modernization and a roof and electricity for every Indian, and touched just a little bit on that we are going to visit Kashmir. बीजेपी ने यूरोपीय सांसदों की टीम के जम्मू कश्मीर के दौरे का स्वागत किया है। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि यूरोपीय सांसदों की टीम के घाटी के दौरे से हालात साफ हो जाएंगे और दुनिया में फैलाए जा रहे भ्रम से पर्दा हट जाएगा। एनी डेलीगेशन वेदर इट इज यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन वन कैन कम एंड सी द सिचुएशन डेफिनेटली इफ यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन इज कमिंग दे शुड ऑल्सो गो टू The border areas. They should go to the areas adjoining LOCs where Pakistani forces are repeatedly carrying the ceasefire violation, killing the innocent people. It is the Pakistan and Pakistani terrorists and the separatists. Those are trying to create mess and anarchy in Kashmir Valley. People in Jammu, Kashmir and Ladakh are with India. Here we are Indian and it is Pakistan. भारत का दिल साफ है। जो आप देखना चाहते हैं देखिए, कश्मीर में जाकर सिचुएशन को आंकिए, लोगों से बात करिए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हम इस जो स्टेप का स्वागत करते हैं तो मुझे लगता है कि और उम्मीद करता हूं कि जो लोग यूरोपियन यूनियन से आएंगे दुनिया को भी आगे से आईना दिखा सकेंगे। कुल मिलाकर के एक पॉजिटिव साइन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में सऊदी अरब की यात्रा पर रवाना होंगे। यात्रा से पहले उन्होंने ट्वीट किया कि भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ पारंपरिक और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। सऊदी अरब भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं के सबसे बड़े और विश्वसनीय आपूर्तिकर्ताओं में से एक है। रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, संस्कृति, शिक्षा और लोगों के बीच संपर्क सऊदी अरब के साथ द्विपक्षीय सहयोग के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि यात्रा के दौरान वो सऊदी अरब के शाह और क्राउन प्रिंस से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम में अपनी मौजूदगी को लेकर उत्साहित हैं, जहां वो 2024 तक $5 trillion की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्विक निवेशकों के लिए बढ़ते व्यापार और निवेश के अवसरों के बारे में बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी यात्रा के दौरान भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना के लिए समझौता होगा, जो दोनों देशों के बीच साझेदारी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड शुरू करने से लेकर तेल, गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और रक्षा के क्षेत्र में कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री 29 अक्टूबर को रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के रियाद शहर पहुंचेंगे। खाड़ी के इस देश की प्रधानमंत्री की ये दूसरी अहम यात्रा है। विदेश मंत्रालय में आर्थिक संबंध सचिव टीएस तिरुमूर्ति ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री की सऊदी अरब के शाह से मुलाकात होगी, साथ ही सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ
प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता होगी। प्राइम मिनिस्टर विल हैव अ बायलैटरल मीटिंग विद हिज मैजेस्टी द किंग वेयर द एग्रीमेंट ऑन द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल विल बी साइंड। देयर विल आल्सो बी सेपरेट डेलीगेशन लेवल टॉक्स विद हिज रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरेबिया। लेटर दैट आफ्टरनून Prime Minister will be addressing the FII plenary session. This will be followed by a banquet dinner hosted by His Royal Highness the Crown Prince. इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौते भी होंगे, जिसके तहत भारत सऊदी अरब कूटनीतिक साझेदारी परिषद की शुरुआत करना, रुपे कार्ड शुरू करने पर समझौता ज्ञापन और दोनों देशों की ई प्रवास प्रणाली के बीच समन्वय लाने पर समझौता शामिल है। दोनों पक्ष रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। दोनों देशों के बीच पहला नौ सैन्य अभ्यास इस साल के अंत तक शुरू होगा। सऊदी अरब की अरामको कंपनी महाराष्ट्र के रायगढ़ में रिफाइनरी में निवेश कर रही है। आर सेट टू फाइनलाइज एंड मूव अहेड ऑन द वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी इन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र व्हिच विल इन्वॉल्व इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम सऊदीज अरामको यूएईज एडनॉक and Indian public sector oil companies. This will be the single largest greenfield refinery in India. इस दौरे में आतंकवाद और कश्मीर के मुद्दे पर भी भारत और सऊदी अरब के नेतृत्व के बीच आपसी समझ को बढ़ाने की कोशिश होगी। Let me assure you that Saudi Arabia has shown understanding on the recent developments vis-a-vis Jammu and Kashmir. And I'm sure that they stand has had a salutary effect on Pakistan. सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से 29 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाले तीन दिवसीय कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री भावी निवेश पहल के तीसरे संस्करण को भी 29 अक्टूबर को संबोधित करेंगे और उसी दिन स्वदेश रवाना होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खाड़ी के देश सऊदी अरब का ये दूसरा दौरा है। इसके साथ ही ये माना जाता है कि मौजूदा सरकार की विदेश नीति में भारत और सऊदी अरब के संबंध अपने सबसे मजबूत दौर में है। प्रधानमंत्री के इस दौरे के दौरान ऊर्जा सुरक्षा से लेकर निवेश और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के दिशा में भी अहम समझौते होने की उम्मीदें हैं। इसके साथ ही भारत ये भी उम्मीद कर रहा है कि आतंकवाद और कश्मीर के मामले में जो वैश्विक सोच है वो भी भारत के पक्ष में बनी रहेगी। इस बारे में भी इस दौरे से कुछ खास बातें निकल सकती हैं। दिल्ली में डीके पांडे के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सऊदी अरब दौरे के लिए विमान को अपने एयर स्पेस से उड़ने की मंजूरी नहीं देने पर भारत ने वैश्विक संस्था में पाकिस्तान की शिकायत की है। पीटीआई के मुताबिक भारत ने इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के सामने पाकिस्तान की इस हरकत का मुद्दा उठाया। ये दूसरा मौका है जब पाकिस्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान को अपने एयर स्पेस से उड़ने की अनुमति नहीं दी है। इससे पहले सितंबर में भी उनके अमेरिका दौरे के वक्त भी पाकिस्तान ने ऐसा ही किया था। और इसी के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। देखिए मेरे साथ देश देशांतर रात 8:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के मुताबिक राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में यह संख्या 245 है, जिसमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं, जबकि शेष 12 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। के बाद स्वागत है आपका। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकवादियों ने ग्रेनेड से हमला किया।
इस हमले में 20 लोग घायल हुए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतंकी हमले के बाद सेना ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकियों ने बस अड्डे पर मौजूद सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड फेंका। हमला शाम 4:15 बजे हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से राजभवन में मुलाकात की। मुलाकात के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ ही मौजूदा स्थिति के बारे में बात की। वहीं शिवसेना नेता दिवाकर रावते ने भी आज राज्यपाल से भेंट की। बातचीत के दौरान कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। और इस बीच महाराष्ट्र में नवनिर्वाचित 2 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के समर्थन का ऐलान किया है। रवि राणा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा है और बीजेपी को बिना शर्त समर्थन देने की बात कही है। रवि राणा अमरावती से बदनेरा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए हैं। और सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होते हुए ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सऊदी अरब के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं। कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होते हुए। और दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति फिर बेहद खराब हो गई है। दीपावली के मौके पर रविवार रात छोड़े गए पटाखे और दूसरे कारणों की वजह से राजधानी की आबोहवा बिगड़ी है। हालांकि दिवाली के अगले दिन इस साल प्रदूषण का स्तर पिछले 3 सालों के मुकाबले बेहतर था। दिवाली के दूसरे दिन राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण बेहद खराब के स्तर तक पहुंच गया। दिल्ली में सुबह की शुरुआत धुंध के साथ हुई और इस मौसम का सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण दर्ज किया गया। हालांकि कम पटाखे चलाने और लोगों की जागरूकता के चलते ये खतरनाक स्तर पर नहीं पहुंचा। पहले से कम है थोड़ा, क्योंकि पिछले साल जब मैं यहाँ पे था तो काफ़ी ज़्यादा पटाखे, और आज जैसे मैं आ रहा हूँ तो आज कम पोल्यूशन दिख रहा है। किसी चीज़ की अवेलेबिलिटी ही नहीं होगी मार्केट में तो आपको ऑप्शंस भी मतलब है ही नहीं पटाखे के लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। पिछले साल के मुकाबले इस बार दिल्ली में दिवाली के अगले दिन हवा की सेहत अच्छी रही। राजधानी दिल्ली में सोमवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 348 दर्ज किया गया, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के लोधी रोड इलाके में सुबह पीएम 10 का स्तर 295 और पीएम 2.5 का स्तर 500 तक पहुंच गया था। सिर्फ सरकार की मेहनत नहीं, इसमें हर एक दिल्लीवासी की एवरी डेलीआइट हैज कंट्रीब्यूटेड। और जो 25% जो पोल्यूशन कम हुआ वो दिल्ली सरकार के साथ साथ हर एक दिल्लीवासी की मेहनत, और जो उसने अंदर से महसूस किया, खुद जो एक डिसीजन लिया कि भाई पोल्यूशन नहीं करना है, तो वो 25% जो पोल्यूशन कम हुआ वो सारा उसका कंट्रीब्यूशन है। एमसीडी ने मुस्तैदी दिखाते हुए कई इलाकों में सड़कों और पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया। जरूर ये कह सकते हैं, चूंकि पटाखे लेट जलना स्टार्ट हुए हैं, 7-8 बजे से स्टार्ट हुआ है, और सुबह भी जो हमेशा स्थिति होती है वो वाली स्थिति ऐसा सच नहीं थी 6-7 बजे जब मैं उठा मॉर्निंग में, और इसके अलावा रात में भी जो जनरली हर साल की अपेक्षा इस साल थोड़ा सा मुझे बेटर लगा, तो मुझे लग रहा है कि अच्छी शुरुआत है। लोगों की जागरूकता, सुप्रीम कोर्ट के दिल्ली में पटाखों पर बैन और बाजार में ग्रीन क्रैकर्स की उपलब्धता से पिछले 3 सालों के मुकाबले इस बार वायु प्रदूषण का स्तर सबसे कम दर्ज किया गया। उम्मीद है आने वाले समय में दिल्ली की हवा बेहतर होगी। दिवाली के बाद दिल्ली के वायु प्रदूषण में बेशक बढ़ोतरी हुई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा पटाखों पर लगाए गए बैन और ग्रीन क्रैकर्स के मार्केट में आने के बाद जनता के बीच एक समझ विकसित हुई है जो आने वाले समय में पर्यावरण संतुलन के लिए मील का पत्थर साबित होगी। कैमरामैन ओम प्रकाश के साथ भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी, नई दिल्ली। और बुलेटिन में अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी खबर की।
गंगा नदी को स्वच्छ और पूरी तरह से प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जर्मन विशेषज्ञ नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा में मदद करेंगे। विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं की स्थिति का आकलन करेंगे और गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए प्रयोगशालाओं को बेहतर और उन्नत बनाने के लिए सुझाव देंगे। हाल ही में नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के तहत जर्मनी के नेशनल मेट्रोलॉजी संस्थान के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाया जाएगा। जर्मन विशेषज्ञ प्रयोगशालाओं के अधिकारियों को नमूना संग्रह प्रक्रिया, नमूना परीक्षण और डेटा का प्रबंधन के बारे में जानकारी देंगे। जर्मन विशेषज्ञों की टीम ने वाराणसी प्रयोगशाला का दौरा किया है। तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की तबीयत खराब होने की वजह से आज दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती कराया गया। जांच के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। पी चिदंबरम को पेट में दिक्कत के बाद अस्पताल में लाया गया था। आईएनएक्स मीडिया केस में पिछले करीब 2 महीने से तिहाड़ जेल में बंद चिदंबरम को स्वास्थ्य में गड़बड़ी के बाद सोमवार की शाम को अस्पताल लाया गया था। यूरोपीय संघ ने ब्रिटेन के लिए ब्रेग्जिट की समय सीमा एक बार फिर से बढ़ा दी है। ये दूसरी बार है जब ब्रेग्जिट की समय सीमा बढ़ाई गई। यूरोपीय संघ ने ब्रेग्जिट की समय सीमा को बढ़ाकर 31 जनवरी तक करने की मंजूरी दी है। ये जानकारी यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने दी है। उन्होंने ट्वीट किया है कि 31 जनवरी से पहले अगर ब्रिटिश संसद किसी समझौते को मंजूरी दे देती है तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो सकता है। यूरोपीय संघ के ज़्यादातर सदस्य देश ब्रेग्जिट को जनवरी 2020 तक यानी कि 3 महीने तक टालने के पक्ष में हैं। 19 अक्टूबर को ब्रिटिश सांसदों ने ब्रेग्जिट डील में देर करने के समर्थन में वोट दिया था। उनका कहना था कि 31 अक्टूबर की डेडलाइन से पहले उन्हें डील के ब्यौरों को पढ़ने के लिए और वक्त चाहिए। डील के समर्थन के लिए पार्लियामेंट का खास सेशन बुलाया गया था, लेकिन सांसदों ने 306 के मुकाबले 322 वोट से इसे रोक दिया था। उत्तराखंड में गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज से गंगोत्री धाम के कपाट 6 महीनों के लिए बंद कर दिए गए। गंगोत्री मंदिर के कपाट बंद होने की प्रक्रिया सुबह 8:30 बजे शुरू की गई। पूजा अर्चना के साथ साथ सुबह 11:44 पर कपाट बंद हुए। यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी कल से शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही चार धाम यात्रा का समापन हो जाएगा। दीपावली के बाद आज गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। ग्रामीणों ने कृषि यंत्र गोवंश की पूजा अर्चना कर धन्य धान सहित संपूर्ण खुशहाली की मन्नत मांगी। लोगों ने गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की, वहीं बच्चों ने कॉपी किताब की पूजा की। वडोदरा में इस मौके पर अन्नकूट महाभोग का आयोजन किया गया। इस महाभोग में 3500 खाने की चीजें भगवान को भोग लगाई गई। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। यहाँ भगवान को भोग अर्पित करने के लिए 22 सीढ़ियां बनाई गई थी। बीच में अष्टदल कमल था, उसके आसपास केक सजाया गया। इसके अलावा 500 तरह की मिठाइयाँ, 600 प्रकार की नमकीन, 250 प्रकार की बेकरी के आइटम, 300 प्रकार की सब्जियाँ, 100 प्रकार के पुलाव, 100 प्रकार की सलाद भगवान को अर्पित किए गए। पूजा की समाप्ति के बाद भगवान का भोग ज़रूरतमंदों में प्रसाद के तौर पर बांट दिया गया। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।